राजस्थान की हवाएं चाहे वो धूल भरी हो या ठंडी हो, दोनों में मजा कुछ और ही है। यहाँ की बोली जितनी मीठी है, यहाँ का खाना जितना बेहतरीन है, यहाँ के लोग जितने शानदार है, उतनी ही यहाँ की धरती वीरों से पटी पड़ी रही और इसका इतिहास बहुत शानदार है। और इतिहास तो शानदार फोर्ड एंडेवर का भी है। जब से भारतीय बाजार में आई है तब से इसके किस्से बहुतों की जुबान पर हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि यह भी किसी राजस्थानी योद्धा से कम नहीं है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। मैं राजस्थान में हूं, वो भी स्वर्ण नगरी जैसलमेर। पहले निगाह रखते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर कि वह देखने में कैसा है, देख लीजिए आप ही एक झलक उसकी भी। कुछ और नहीं, आपकी एसयूवी की काबिलियत चेक करने का एक अच्छा तरीका है जिसमें आप एसयूवी के साथ साथ अपनी काबिलियत भी चेक कर सकते हैं। प्रिकॉशंस भी जरूरी हैं, जैसे कि आपको अपनी एसयूवी के टायर प्रेशर पर भी ध्यान रखना जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन पे हम जो टायर प्रेशर रखते हैं उसके मुकाबले जब भी हम डून बैश या ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो टायर का प्रेशर 2/3 तक ले आते हैं, मतलब एसयूवी की पकड़ बेहतर हो जाती है सैंड के ऊपर। या आप किसी और ट्रेन में करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी टायर प्रेशर इतना कम होता है, एसयूवी की पकड़ रोड के हिसाब से यानी आपकी एसयूवी के ट्रेन रिस्पॉन्स सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं किसी भी कंडीशंस में। सैंड का करेक्टर ऐसा होता है कि वह बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ देती है जब भी उसके ऊपर वजन पड़ता है। अगर आप खुद भी पैर रखेंगे तो सैंड नीचे से फिसल जाती है, और वैसे ही होता है एक बड़ी भारी भरकम एसयूवी के साथ। इसलिए टायर प्रेशर कम रखना बहुत फ़ायदे का सौदा रहता है। दूसरी चीज़ों पर, कुछ और भी चीज़ों पर निगाह रखनी है कि आपके एसयूवी के गियर कैसे काम कर रहे हैं। नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन पे आपको लोअर गियर पे गाड़ी चलाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इस कंडीशन में एंडेवर की काबिलियत काम आती है कि आप गाड़ी को थर्ड गियर तक ही रोक सकते हैं या फोर्थ गियर तक, उसके ऊपर जाएगी ही नहीं गाड़ी उस परिस्थिति में जब इसके स्लिप होने के चांसेस हों। यही वजह है कि एक प्योर एसयूवी में इस तरह की सुविधाएं होना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्हें चाहे ऊंचे हिस्से पर चढ़ के जाना हो या नीचे उतर के आना हो, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल भी कार का, एसयूवी का बेहतर होना चाहिए, तभी आप उससे पूरी एसयूवी वाली परफॉर्मेंस पा सकते हैं। फोर्ड ने हमको 4 घंटे का सेशन अवेलेबल करवाया था ड्राइव करने के लिए, खासतौर से सैम डून्स पर, और यह जगह रियली बहुत अच्छे डूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। चलाकर हमें भी रियली काफ़ी अच्छा लगा और अपनी काबिलियत को परखने का मौका मिला, कहाँ कहाँ क्या क्या तरीके और अपनाने चाहिए वह भी सीखने का मौका मिला। अगर आपको भी कभी डून बैश पे जाना हो तो प्लीज़ अपनी तैयारी करके जाइएगा, मेंटली साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखिएगा, और नेविगेटर या आपको गाइड जो मिलता है उसकी किसी भी बात को इग्नोर ना करें, वो हमेशा फ़ायदे का सौदा होती है। अब इस कार को चेक करते हैं, इस एसयूवी को चेक करते हैं ऑन रोड परफॉर्मेंस पे कि ऑन रोड यह कैसा परफॉर्म करती है। डून बैश तो रियली शानदार रहा। फोर्ड का एंडेवर एक्चुअल में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वजह यह है कि यह भारतीय बाजार में लंबे समय से मौजूद भी है और साथ ही बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहा है। सभी ऑनर्स इससे सेटिस्फाइड रहे हैं। यही वजह है कि एंडेवर को लोगों ने हमेशा
अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है। नई एंडेवर 3.2 लीटर की जगह अब 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन आ गया जो 170 पीएस की पावर देता है और साथ ही आपको मिलता है 420 एनएम का भारी भरकम टॉर्क भी आपको मिल जाता है। एक और बड़ी प्लस चीज है वह ये कि इस कार के साथ आपको 10 स्पीड सिलेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स मिलता है जो कि इस कार को काफी बेहतर बनाता है। यानी कि आपको अगर कार किसी भी कंडीशन में ड्राइव करनी है तो ये कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है। वजह सिर्फ इतनी है कि यह कार आपको चलने का भी पूरा मजा देती है कि आप कैसे भी चलना चाहें आप चल सकते हैं इसके साथ और किसी भी परिस्थिति में चल सकते हैं। टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम जो इसका है जिसमें कि सैंड स्नो मड ऐसे कंडीशन में चलने की सुविधा भी देता है आपको। 4x4 लो का ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं आप और इवन डिफरेंशियल भी। तो इन सब चीज़ों के बेनिफिट उठाकर आप अपने मन की ऑफ रोडिंग इसके साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। यानी कि कितनी भी खराब कंडीशन हो एसयूवी एसयूवी ही रहती है और असली एसयूवी 4x4 के साथ ही आती है। अब बात किया जाए कि चलाने का कैसा मजा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि यह कार आपको बहुत बेहतरीन राइड क्वालिटी देती है लेकिन उससे भी बेहतरीन आपको हैंडलिंग देती है और हैंडलिंग में हमेशा ही एंडेवर बेहतर साबित हुई है। कंट्रोल आपके हाथ में रहा, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, इसका क्रिस्प है, आप इसे टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्ट कर सकते हैं, सीट भी आपकी 8-way एडजस्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली और पैसेंजर साइड की भी। म्यूजिक सिस्टम बेहतरीन परफॉर्म करता है और अब जब से इसमें कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आ गए हैं कि आप अपने मोबाइल से ही कार को स्टार्ट कर लीजिए, एसी ऑन कर लीजिए, आपको कार तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा कार के टायरों में कितनी हवा है, कितना फ्यूल बचा है, उस फ्यूल से आप कितने किलोमीटर जा सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे मोबाइल पर ही मिल जाती है, आपको कार तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है। ऐसे कनेक्टेड फीचर्स भी अब फोर्ड ने हर कार के साथ देने शुरू कर दिए। शायद इंडिया की पहली कंपनी है जिसकी हर कार में कनेक्टेड फीचर्स दिए जा रहे हैं, गुड जॉब। BS6 इंजन हालांकि है तो 2 लीटर लेकिन यस 10 स्पीड गियर बॉक्स, वर्ल्ड का पहला 10 स्पीड गियर बॉक्स है ये जो इस सिलेक्ट शिफ्ट सिस्टम के साथ आता है जिसे आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इस कार को 10वें गियर तक चला के देखा है और हर गियर में यह बेहतरीन परफॉर्म करती है। पहले दूसरे में तो 420 एनएम का टॉर्क मजा देता है लेकिन 7वें 8वें 10वें गियर पर भी यह बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती है हाईवे पर, और हाईवे पर यह कार काफी कंपोज चलती है। देखिए बड़ी भारी भरकम कार है तो थोड़ा एसयूवी जैसी बात भी है। मैं आपको असली जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डून बेस का, यानी उन सैंड पर चलाने का मजा जिसे चलाने के लिए लोग या तो जैसलमेर आते हैं या दुबई जाते हैं, वो सारा मजा आप इसी कार के साथ आराम से ले सकते हैं, वो भी अपने इंडिया में भी। जैसलमेर में सबसे बड़ा डून बैशिंग के स्पॉट्स हैं जहां पर आप रियली प्रॉपर किसी भी कार की काबिलियत को टेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी काबिलियत को भी आप चेक कर सकते हैं कि वह कैसी है। अगर आप स्किल्ड हैं, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है या आप किसी अच्छे नेविगेटर के साथ में तो डून बेसिंग का मजा अलग है। आइदर साइड में मैं बस करके आया हूँ और काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। अगर आपको सचमुच में ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाली एसयूवी चाहिए तो मेरे अंदाज से एंडेवर रैंक में ऊपर ही मौजूद रहेगी, यानी मेरी पसंदीदा एसयूवी बनी रहेगी। वजह क्या था कि इस कार में एक तो फीचर्स बहुत ज्यादा है जो इसके कंप्यूटर के पास नहीं है। एक और खासियत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये कि यह इकलौती ऐसी कार है जो 2019 के पीरियड में जब सब कारों की सेल घटी है इसकी सेल बढ़ी है, यानी लोगों को इसकी काबिलियत का सिक्का मानना ही पड़ता है कि ना ये नहीं, इसका मोह लोग नहीं छोड़ पा रहे, और यह बात एंडेवर ने साबित की। एंडेवर को सारी दुनिया एवरेस्ट के नाम से जानती है, एवरेस्ट
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, शायद ये नाम सोच समझ के ही रखा गया होगा। इंडिया में हम इसे एंडेवर के नाम से जानते हैं। यही तो वजह थी कि राजस्थान में आकर इसको चलाकर जो हमने गौरवान्वित महसूस किया उसकी बात ही निराली है। राजस्थान, आप तो शानदार थे और रहोगे। एंडेवर, मजा आया आपका साथ देखकर। हाँ, ये वीडियो रिव्यू वीडियो नहीं था, बस मैंने एक्सपीरियंस किया था एंडेवर को इस बहुमूल्य धरती पर और आपके साथ शेयर किया कि कैसा है यह जैसलमेर और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शहर में आकर। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक का बटन दबाइए। रिव्यू देखना चाहते हैं इंतजार कीजिए, दिल्ली में इस कार का बढ़िया से चलाकर रिव्यू करेंगे, तब आपको बताऊंगा यह कार कितनी और भी पोटेंशियल के साथ आती है। ऐसी बेहतरीन वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी, देखते रहिए आस्क कार गुरु, क्या पता अगला शहर आपका हो।